स्वागत है आपका। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच हुए तीसरे टेस्ट मैच में सैनेल गैब्रियल को जॉय रूट की स्लैजिंग करना काफी महंगा पड़ गया, जहां पर उनको 4 ओडीआई मैच का बैन लग चुका है। पूरी खबर दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं, क्या इस स्लैजिंग के लिए उन्हें 4 ओडीआई मैच का बैन लगा या कोई और भी वजह थी, ये भी आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों ये बात है तीसरे टेस्ट मैच की, जहां पर 3 टेस्ट मैच की सीरीज को 2-0 से पहले ही वेस्ट इंडीज अपने कब्जे में कर चुकी थी, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में जो इंग्लैंड की सिचुएशन थी वो काफी अच्छी चल रही थी। और इसी समय जब जॉय रूट बैटिंग कर रहे होते हैं तो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर सैनेल गैब्रियल उनको स्लैजिंग करते हुए कहते हैं कि वो एक गे है। और इस पर दोस्तों जॉय रूट बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं, जहां पर कहते हैं वो कि इस वर्ड का आप यूज मत कीजिए इंसल्ट करने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि गे होना कोई बुरी बात नहीं। तो ये सारी बातें जो है वो जॉय रूट ने उन्हें कही, जो कि मिक में रिकॉर्ड भी हुई। इसके बाद दोस्तों यहां पर जॉय रूट से जब मैच के बाद पूछा गया कि क्या कहा था सैनेल गैब्रियल ने, तो जॉय रूट ने यहां पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। हालांकि इसके बाद आईसीसी ने बहुत ही कड़ा कदम उठाया और सैनेल गैब्रियल के ऊपर 4 ओडीआई मैचेस का जो है वो बैन लगाया। अब दोस्तों आपको बता दें कि क्या सिर्फ इस स्लैजिंग के लिए उनके ऊपर 4 ओडीआई मैच का बैन लगा है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। इस स्लैजिंग के लिए सैनेल गैब्रियल के ऊपर 75% मैच फीस प्लस 3 डीमेरिट पॉइंट जो है वो उन्हें दिए गए। और दोस्तों टोटल जो अब उनके डीमेरिट पॉइंट्स थे वो 8 हो चुके थे, यानी इससे पहले उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे कि उनको 5 डीमेरिट पॉइंट मिल रखे थे और अब उनके जो डीमेरिट पॉइंट थे वो 8 हो चुके थे पिछले 24 महीनों में। और इसका सीधा सीधा मतलब बनता है, या तो आपको 2 टेस्ट मैच का बैन लगेगा या आपके ऊपर 4 ओडीआई या 4 टी20 मैचेस का जो है वो बैन लगेगा, जो भी पहले आता है। और यहां पर ओडीआई मैचेस पहले आ रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर 4 ओडीआई मैचों का जो है वो बैन लगा दिया गया। तो यहां पर सिर्फ इस स्लैजिंग के लिए उन्हें 3 डीमेरिट पॉइंट दिए गए थे और इससे पहले उनके 5 डीमेरिट पॉइंट थे, यानी उनके टोटल 8 डीमेरिट पॉइंट हो चुके थे और इसी वजह से उनके ऊपर 4 ओडीआई मैचेस का जो है वो बैन लगा है। तो इससे पहले भी उन्होंने कुछ ऐसे स्लैजिंग के काम किए होंगे, कुछ गलत काम किया होगा और इसी वजह से उनके जो है वो डीमेरिट पॉइंट इतने ज्यादा थे। तो ये रीजन था कि उनके ऊपर 4 ओडीआई मैचेस का बैन लगा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। ये खबर थी सैनेल गैब्रियल को लेकर कि क्यों उन्हें 4 ओडीआई मैच का बैन दिया गया, क्या कहा था उन्होंने, सारी बातें हमने आपको बताई। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।